वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं 10, सुबह के 10 बजे हैं। तो मतलब काम मेरा हो गया, जैसे कि आपने देख लिया, मैंने आज सिर भी धुलाया और नहाई भी हूँ। तो कल बृहस्पति दिखाऊंगी मैं भी। अब है गया मेरा स्कूल, क्योंकि अब है के स्कूल चल रहे हैं, आदि के पेपर, तो आदि के पेपर अभी हुए नहीं है। आदि के पेपर है रहे हैं, बॉडी दिखा, आदि के रह रहे हैं दो पेपर, हिंदी और दूसरा AI का पेपर। तो दो पेपर रह रहे हैं आदि के, और अब है गया है अभी स्कूल। तो अभी आएगा 12:30 बजे। और अभी हमें और आदि है, इनके पापा ऑफिस गए, और मतलब अभी मेरा खाना नहीं बना है कुछ, तो चाय नाश्ता मतलब हल्का फुल्का ऐसा ही किया है। तो अभी खाना बनाऊंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए, और थोड़ा सा टाइम मुझे हो। तो चलिए जी, अभी मैं बना लेती हूँ अपना खाना पीना, कुछ भूख भी लगी है, मतलब चाय पी है अभी, नाश्ता भी नहीं किया है। तो अभी बना लेती हूँ कुछ, और फिर मैं और आदि मेरा खाएंगे। ये देखो आदि ने टी शर्ट नहीं पहनी, तो आदि लेटा हुआ है। तो चलिए जी, मिलते हैं बाद में फिर, अभी थोड़ा सा काम कर लें अपना। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो ये बन रही हैं मेरे पराठे, और जी भी बनाई है आलू की आदि के लिए। आदि और अभय खाएंगे सूखी, मतलब मैंने जीरे में फ्राई कर दिया आलू, और अपने लिए बनाए हैं आलू टमाटर, मतलब मैं इनके पापा, हम अपने लिए बनाए आलू टमाटर, और इनके लिए बनाई है सूखी सब्जी। तो ये है मेरा खाना तैयार, मतलब आदि के लिए भी ये मेरी आलू टमाटर सब्जी, और ये सूखी सब्जी, और ये पराठा। तो अभी खाएगा आदि, और मैं बना रही हूँ। ये मेरा दूध गर्म हो रहा है अभी, मतलब अभी रखा है, तो अभी दूध गर्म हो रहा है और पराठे बना रही हूँ। तो चलिए जी, अभी बना देती हूँ और दे देती हूँ आदि को, क्योंकि उसे भूख भी लगी है। और अब है जब आ जाएगा जब ही बनाऊँगी, अपने लिए और आदि के लिए बनाऊँगी। इनके पापा भी ऑफिस गए हैं, तो वो भी घर पर नहीं है, वो भी आ जाएंगे, या जैसे भी बोलेंगे वैसे तब होगा उनका, तो 1 बजे। तो भी अपने और आदि के लिए बना लेती हूँ, और हम मम्मी बेटा खा लेते हैं। तो आदि और अभय और उसके पापा की जब ही देखेंगे तब वो आएंगे, या जैसे भी है। तो चलिए जी, सभी मैं जा रही हूँ थोड़ा वॉक के लिए, और ऊपर व्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो अभी फ़ोन लिया है नीचे, और आज आप सबको भी दिखाऊँगी, अपनी कॉलोनी में घुमाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। और बिट्टू मम्मी बना रही हैं गुंजिया, है गुंजिया बना रहे हो, और बिट्टू मम्मी की बन रही है गुंजिया। तो चलो चलते हैं, बन गई? अच्छा तू तल रही है? आ रही है बिट्टू मम्मी गुंजिया। बाबू तो थोड़ी ही रह रही है ना? हाँ, तो पूरी दोपहर ही गई मुझे लग रहा। एक बजे से हाँ, 1 बजे से चार। तो चाय भी ना पी? हाँ, चाय बिट्टू बनवा लेते। ये देखो गाइस कहाँ सीट लगी है रोड पे। अरे तुम्हें बैठने की जगह ना मिली? नमस्ते, ये देखो चाय और होती है कि कब नमस्ते बेटा, है ना? अरे वो तो थोड़ा ब्लॉग शूट कर लें पार्क का आज। तो ये देखिए गाइस हमारे पार्क में चहल पहल, और ये सब बच्चे छोटे छोटे, और बच्चों की मम्मी, ये देखो कितनी रौनक है ये पार्क बच्चों का। ये देखिए इसमें बहुत मन लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और शाम में सभी बाहर आ जाते हैं। नमस्ते जी, और ये परी की मम्मी, और परी, ये परी, हाय, और छोटू कहाँ तुम्हारा? घर पे? वो मम्मी, वो छोटी मम्मी के पास है, हैं? और ये देखिए जी, ये बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल पार्क में। वैसे कितना अच्छा लगा है ना इसमें। ये आंटियां घूम रही हैं, ये परी बैठ गई आके मम्मी की गोदी में, है परी? मैं आज बच्चे का लाती हूँ, आज वैसे पार्क में आंटी कम है ना, अन्नी तो इस टाइम बहुत सारी रहे हैं, आज कम है। हाँ आज कम आंटी हैं। हाँ ये देखिए जी, मन लगे वैसे यहाँ
आके, और वही है जो बैठे हैं उनका मन लगे, हाँ भैया हम तो घूमने हमारी जिम में है सब, जिम भी इतनी भर रही है हमारी, और जिम में सब लेडीज पर है, बच्चे खेलते हैं जिम के, जिम के परली तरफ ये बच्चे खेलते हैं वॉलीबॉल, और यहाँ पर करते हैं सब जिम। देखो फिर हाय, हाँ फिर से मिल गए हम हैं, और ये बच्चे घूम रहे हैं। हाय बेटा, चलो बाय। अब इनने पूछी आप क्यों हूं तो चलिए जी अभी चलते हैं। नमस्ते बेटा। अच्छा थैंक यू बच्चा, मैं पार्क में बना रही, तुम दिखे ही ना, मैं देख रही तुम्हें। देखिए अब लगी हमारी होली। नमस्ते बेटा, ये लगी है हाय बड़ी दूर से हाय हो रही है। और सुनाओ कैसे, बढ़िया। और ये बच्चे खेल रहे। ओए बच्चों, ओए छोटू, मेरा व्लॉग देखे करो, नहीं देखते व्लॉग देखो मेरा, नहीं देखते, नहीं देखते सब बच्चे ने पता। एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पर आम के पेड़ हैं और उन पर बगर, ये देखिए कितना बगर है, बहुत आम के पेड़ उन पर उतना ही बगर है। ये देखिए जी इस पे भी बहुत ही ज्यादा बगर है, ये देखिए। और हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आम के पेड़ हैं और उन पर उतने ही आम लगते हैं। एक सामने है ये भी आम का है, बहुत पेड़ है मतलब कॉलोनी में। कारी तो अपने चला भाई हीरो, ये देखिए बच्चे चलेगी, आस्था आस्था हाय। आज ये बच्चे खड़े हैं सामने, आज सब बच्चों की वीडियो बना लूँगी, अच्छा लगता है मुझे भी और बच्चों को भी। नमस्ते, हाँ नमस्ते। और सनाया, ये देखो सनाया की मंडी है चोटी। आज मैंने गलती से आरू ना बोली भाई, सभी मैं आ गई हूँ वॉक करके, और आज सबकी वीडियो बनाकर लाई थोड़ी थोड़ी अपने यहाँ कमला ने मतलब अपनी कॉलोनी के पार्कों की, बच्चों की। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज सब बच्चों की और बड़े बड़ों की मतलब अपने यहाँ का पार्क भी दिखाया, पार्क में इतनी रौनक आज तो फिर भी थोड़े सब घर में लग रही थी गुंजिया वुंजिया की तैयारी में, तो उसकी वजह से थोड़ी भीड़ कम थी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, पूरा पार्क ऐसे भरा रहता है। तो पर फिर भी इतनी भी कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा बहुत थी। तो अभी मैं घूम कर आ गई हूँ, जितना भी ब्लॉग शूट हुआ वो करके लेकर आई हूँ, और अभी बनाऊँगी खाना। तो अभी आई हूँ, भी ज्योत बत्ती करेंगे मतलब घर में पूजा ज्योत, शाम की ज्योत, और फिर खाना बनाऊँगी। तो खाना बनाने के बाद मिलूँगी, और चलिए जी अभी कर लेती हूँ मैं अपना जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा काम, और फिर मिलते हैं बाद में। और आदि अब है मेरे गए हैं बाहर घूमने के लिए, अभी आ जाएंगे ट्यूशन से आके, थोड़ा सा जैसे चले जाते हैं नीचे वो भी, तो वो गए हैं घूमने, और मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना। और एक बात और, आज मेरी सन्ना भी आ गई है, और रहेगी 2-3 दिन छुट्टी है, तो उसकी इतने इधर ही रहेगी, खुल जाएंगे कॉलेज जब चली जाएगी, शायद 20 के बाद खुलेंगे, तो फिर 20 के बाद वो चली जाएगी, अभी आई थी शाम में। तो चलिए जी अभी कर लेती हूँ मैं थोड़ा काम। तो गाइस अभी मेरा खाना पीना हो गया है, और ये मेरा आदि लेट रहा है, अरे लेटने की तैयारी चल रही है, तो सबने खाना भी खा लिया है। और मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी,
और रोटियाँ हैं। और अभी चल रही लेटने की तैयारी। और एक बात, गर्मी कितनी हो गई है, मतलब इतनी जल्दी इतनी गर्मी। चलो थोड़ी बहुत सहज सहज होती तो चलता भी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि डटना मतलब रहना मुश्किल हो रहा है। एसी की जरूरत पड़ रही है, पर अब एसी की सर्विस नहीं हुई है, या कूलर जो भी है, कूलर भी नहीं लगे हैं तो, मगर गर्मी इतनी है कि एसी कूलर की जरूरत है। तो चलिए जी देखते हैं, वो तो गर्मी का तो कुछ ना कुछ होगा जो देखेंगे। मैं क्या करूँ, छत पर चले जाओ। बच्चे परेशान है कि क्या करे, गर्मी में छत पर चले जाओ। यार मम्मी गर्मी हो रही, कुछ बताओ यार अपने सब्सक्राइबर में। बता रही हूँ तो गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, क्या कर रहे हैं, लगाएंगे एसी सर्विस करवाएंगे, कूलर लगाएंगे बहुत ही ज्यादा। पंखा बंद है जी अभी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, पंखा चला के चला दो पंखा तो आवाज नहीं आती, घर घर आती है। और वैसे पसीने आ रहे हैं, देखो जरा सी देर के लिए पंखा बंद करते हैं, अभी सर्विस हो जान दो, मच्छर होंगे एसी में बहुत ज्यादा। तो गाइस अभी करते हैं ब्लॉग का इधर ही एंड, आज के ब्लॉग का भी। और बच्चों को गर्मी भी बहुत लग रही है, और ये देखो अभी लेट रहा आती और सन्ना इधर है। तो अभी मतलब आज के ब्लॉग का इधर ही एंड करते हैं। और जो मेरा आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर करें सब्सक्राइब। सन्ना भी बोल दे, चलिए जी बाय। हाँ और कमेंट करके बताओ कि एसी का मौसम हो गया है या नहीं, क्योंकि अभी ये भी डर है कि एसी चला के। अभी तो जनवरी चली, सितंबर सितंबर दिसंबर मार्च खत्म होने वाली है, अब एसी चला तो। हाँ तो मतलब मौसम ऐसा है ना कि बीमार भी हो सके, कोई बीमार ना हो रहा बस। तो गाइस बताइए कमेंट करके एसी का मौसम है या नहीं, मेरे बच्चे सही हैं या मैं सही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ कि मार्च मार्च रहने दो एसी, 1 अप्रैल से चला लूंगा, पर ये नहीं मान रहे, पर मैं भी चला चल रहा है मार्च तो, मार्च चल रहा है ना, 1 अप्रैल से लगे हैं कूलर भी एसी भी सब। अभी गर्मी सहन करो थोड़ा। तो चलिए जी बाय, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, गुड नाइट।